हेलो दोस्तों, बाइबल की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है इंडियन क्रिश्चियन डे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इंडियन क्रिश्चियन डे। दोस्तों 3 जुलाई ऐतिहासिक रूप से सेंट थॉमस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सेंट थॉमस की शहादत की याद दिलाता है। वह 52 ईस्वी में भारत आए और 72 ईस्वी में चेन्नई के पास शहीद हो गए। इंडियन क्रिश्चियन डे के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि सेंट थॉमस कौन है और क्रिश्चियनिटी से उनका क्या वास्ता है। दोस्तों अधिकतर लोग ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी को भारत में ब्रिटिश लोगों द्वारा और यूरोपियन देशों द्वारा लाया गया। दूसरी ओर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और विद्वानों का कहना है कि भारत में मसीहत उतनी ही पुरानी है जितनी की मसीहत अपने आप में है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इतिहास हमें इसका जवाब देता है? दोस्तों इतिहास की एक खास बात है, वो सब बातों का लेखा रखता है। अच्छी और सच्ची कहानियों, हादसों और घटनाओं को किसी न किसी के जरिए दोहराया जरूर जाता है। पैक्स इंडिका नाम की एक किताब में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है, जो लिखते हैं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मसीहत भारत में यीशु मसीह के बाद 1वीं शताब्दी में ही आ गई थी और दक्षिण भारत में एक मजबूत पकड़ स्थापित की। काफी लंबे समय के बाद यूरोप ने मसीहत को पाया। इसी किताब में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट भी हमको मिलता है, जब वे 1955 में न्यू दिल्ली में सेंट थॉमस दिवस समारोह में एक भाषण में कहते हैं, सेंट थॉमस उस समय भारत आए जब यूरोप के देश मसीहत से अनजान थे। इसलिए ये भारतीय मसीह जिनकी मसीहत का पता सेंट थॉमस से लगता है, इनका एक लंबा इतिहास है और कई यूरोपीय देशों की मसीहों की तुलना में एक उच्च वंशावली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में मसीहत उतनी ही पुरानी है जितनी की मसीहत अपने आप में है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं भारतीय मसीहत की जड़ें क्या हैं। ये आज से 2000 साल पहले की बात है, जब ईश्वरीय वचन मानव शरीर में आया और लोगों के बीच में रहा, जिसे हम और तुम आज यीशु के नाम से जानते हैं। उसका आना, मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना मानव जाति के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना को दर्शाता है। जब यीशु अपने 12 चेलों के साथ रहते थे, तब वो परमेश्वर की इस योजना के बारे में लोगों को बताते थे। जब वे जीवित स्वर्ग उठा लिए गए, तो उनके चेलों ने इस कार्य को जारी रखा, जिनमें एक थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो 52 ईस्वी में यीशु के सुसमाचार को लेकर भारत आए, उनके द्वारा यीशु के सुसमाचार ने सबसे पहले भारत के केरल राज्य में अपनी छाप छोड़ी। दोस्तों जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, वो आज भी केरल में थॉमस क्रिश्चियन के नाम से जाने जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद वो केरल से चेन्नई के मायलापुर में गए और लिटिल माउंट नाम की एक जगह पर रहा करते थे। दोस्तों हर रोज वो समुद्र के किनारे लोगों को यीशु के बारे में बताने आया करते थे। उनके उपदेश ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इस प्रभाव के कारण कुछ लोग उनके शत्रु भी बन गए। दोस्तों एक दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके कुछ शत्रुओं ने उनको मार डालने की योजना बनाई। वे भागकर एक स्थान पर गए जिसे आज सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन वे अपने आप को बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु 72 ईस्वी में हुई और उनके शरीर को वहीं दफनाया गया जहां वो लोगों को यीशु के बारे में बताते थे। दोस्तों उसके बाद एक लंबे समय के लिए वो बस एक याद बनकर रह गए, लेकिन 1500 ईस्वी में जब पुर्तगाली लोग भारत आए, तो उन्होंने सेंट थॉमस की टूम के ऊपर एक चर्च बनाया, जिसे सेंट थॉमे बेसिलिका के नाम से जाना जाता है। 1893 में ब्रिटिश लोगों द्वारा इस चर्च का पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं, दुनिया में केवल 3 ही ऐसे चर्च हैं जो यीशु मसीह के चेलों की टूम पर बने हैं। सेंट जेम्स चर्च जो स्पेन में है, सेंट पीटर बेसिलिका जो वाटिकन में है, और सेंट थॉमे बेसिलिका जो चेन्नई में है। यह इंडियन चर्च हिस्ट्री का वो पन्ना है जिसे एक व्यक्ति अनदेखा तो कर सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। भारत में मसीहत उतनी ही पुरानी है जितनी की मसीहत अपने आप में है। हम वापस इंडियन क्रिश्चियन डे की ओर लौटेंगे और इसके बारे में 5 बातें और जानेंगे। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के भीतर हमारी पहचान को बनाए रखते हुए और भारत में एकता को बढ़ावा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के संदेश का उत्सव मनाने के लिए, जो उनके 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस अपोस्टल द्वारा 52 ईस्वी में भारत लाया गया था। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए स्मरण का एक दिन, जो भारतीय मूल के हैं और वे सभी जो प्रभु यीशु के संदेश का उत्सव मनाना चाहते हैं। 3 जुलाई 2021 को मनाए जाने वाले यीशु भक्ति दिवस से 1 दशक तक चलने वाले उत्सव का आरंभ होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के 2000 साल की सेवा का आदर करने के लिए एक उत्सव दशक होगा, जिसकी शिक्षा और जीवन के सिद्धांतों ने भारत और संसार को आकार देने और बदलने में मदद की। 3 जुलाई को स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर इंडियन क्रिश्चियन डे के रूप में मनाया जा सकता है। 1 act of love and kindness, जो किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति या एक समुदाय को आशीषित करे। एक व्यक्ति और कलीसिया को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार या जो उन्हें अच्छा लगे उस रीति से इस उत्सव को मनाएं।
इस वेबसाइट के जरिए आप इंडियन क्रिश्चियन डे के बारे में और अधिक जान सकते हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी बाइबल की दुनिया में। हम लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।